नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की बहुत टेस्टी सब्जी, जिसे आप फटाफट 5 मिनट में बना सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं आलू टमाटर की टेस्टी सब्जी। देखिए, सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया और इसमें तेल डाल दिया है। इसके बाद हम हींग डालेंगे। तेल हमारा हो गया, अब हमने हींग डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा हो गया, इसके बाद हमने ये दो टमाटर काटे हैं, ये भी हम इसमें ही डाल देंगे और इनको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। ये दो टमाटर हैं और दो ही आलू के हम सब्जी बना रहे हैं। ये बच्चों के टिफिन में रखने के लिए बहुत बढ़िया रहती है सब्जी और फटाफट बन जाती है 5 मिनट में। टमाटर हो गए हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कम तीखा बना रही हूँ। कर देते हैं और मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। इसके बाद ये दो आलू लिए हैं, इनको भी बहुत छोटा छोटा सा काट दिया है, इसमें डाल देते हैं। सबको मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट इसको इसी तरह से भून लेते हैं। इसके बाद इसमें आधी कटोरी पानी डाल इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं लो फ्लेम पर। देखिए 5 मिनट हो गई है और हमने सब्जी को खोल लिया है, हमारी सब्जी तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऊपर से हल्का सा गरम मसाला। सब्जी बनने के बाद गरम मसाला डालें तो उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है, गरम मसाले की और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके बाद इसको मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट और चला लेते हैं, बस इसे पका लेते हैं। देखिए 5 मिनट में बनने वाली हमारी आलू टमाटर की सब्जी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा और जो पास में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी पर, तब तक के लिए नमस्कार।